सनातन हिंदू धर्म में पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वजों को किए गए पिंडदान का फल उन्हें प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। हिंदू धर्म में पिंडदान प्रयाग, काशी और गया में तीन स्थानों पर होता है। 29 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। पुरखों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए चलने वाले पितृपक्ष की पूर्णिमा को श्राद्ध के साथ इसकी शुरुआत होती है, जबकि अमावस्या के श्राद्ध के साथ 14 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन होगा। पितृ मुक्ति का प्रथम व मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से संगम नगरी प्रयागराज में पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। यही वजह है कि पितृपक्ष में बड़ी संख्या देश भर से श्रद्धालु संगम में आकर पुरखों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना के साथ ही सुख समृद्धि के लिए भी गंगा मैया से कामना करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वजों को किए गए पिंडदान का फल उन्हें प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। वही पुरोहित कहते हैं कि हिंदू धर्म में पिंडदान प्रयाग, काशी और गया में तीन स्थानों पर होता है। इसके बाद सबसे अंत में बद्रीनाथ धाम में भी पिंडदान की परंपरा है, लेकिन पितरों के श्राद्ध कर्म की शुरुआत प्रयाग के संगम तट पर मुंडन संस्कार से ही होती है।